चलो। गाइज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, इट्स वियाना व्लॉग। और आज जो है मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मेरा मन कर रहा था मैं इनके लिए परांठे बनाऊँ, और सोचा कि आरुष और ऐना को टेस्ट करवाती हूँ। तो अभी ये मैं उनके लिए ऑमलेट भी बना रही थी, तो परांठे और ऑमलेट का कॉम्बिनेशन जो था उनके साथ मैं सोच रही थी उनको दूँ। तो अभी इनको मैंने नहला दिया है, दोनों को, दोनों बैठे हैं। और ये देखिए अब दोनों जो हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बड़े नखरे करते हैं। इनको बड़े आराम से मुझे खिलाना पड़ता है, खींच खींच के दोनों को। और फिर उसके बाद हमने रेडी होना था जाने के लिए, तो ये देखो मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया है। ऐना को मैंने सिंपल ही पहनाया घर में, कैजुअल, बिकॉज उसको मैंने छोड़ना था नानी के घर, और आरुष को जो एज यूजुअल उसको साथ ही लेना था। तो देखो यहाँ पे ये खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत नॉटी है आरुष है जो, आरुष बड़े प्यार से उसके साथ खेलता है, बट कभी कभी इसको मार भी देता है। और ऐना जो है, अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और मैंने आरुष को अपने साथ लिया हुआ है, और आज हम जा रहे हैं मुकेश की शॉपिंग के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था मुकेश ने कुछ परचेज नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि शाह को भी मैं कुछ ना कुछ लेके देती हूँ। तो आज स्पेशली जो आज का हमारा व्लॉग है वो मुकेश की शॉपिंग का है, सो गाइज मस्ट वॉच दिस। और अभी हम घर से निकल गए हुए हैं, हमने सोचा कि दूर जाने से बेटर है। यहाँ पे मेन स्टॉप पे वी मार्ट था, तो वी मार्ट भी आपको आज मैं दिखाती हूँ। और टेरर मेरे साथ है, तो क्या करना है, इसको कहाँ रखती, लेकिन साथ में लाना पड़ा। सीरियसली जब ये साथ में होता है तो मेरे को बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने देता है ये अच्छे से आराम से, बट फिर भी ले आई, इसको साथ में लाना पड़ा। इसको इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे साथ पास में। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर है वी मार्ट का, यहाँ पे सिर्फ लेडीज के सेक्शन था ये, तो जो जेंट्स का सेक्शन था वो सेकंड फ्लोर पे था। तो फिर हम यहाँ से चले गए, हमने तो यहाँ से कुछ परचेस किया नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी परचेस कर लिया हुआ था। तो मैंने सोचा यहाँ पे ऊपर जाती हूँ, ऊपर देखती हूँ इसके लिए कुछ अच्छा सा। तो ये देखिए आरुष जो है बार बार इसकी नौटंकियाँ शुरू हो गई हैं, बस इसने भागना है इधर उधर। इसका तो फर्स्ट टारगेट यही होता है कि इसने जाके ड्रेसिंग रूम में जाके इसने लॉक करना है अपने आप को। सो देखिए अभी तो शुरुआत है, आगे क्या क्या करता है। और ये यहाँ पे मुकेश जो है वो देख रहा है, और मैं भी साथ साथ में देख रही थी कि मुझे जो चीज़ इसके लिए इसके लिए पसंद आती है तो वो भी मैं बताती हूँ। इसको बेसिकली इतना पता नहीं चलता है, ये तो सोचता है कि जो भी हो, तो बट ये है कि मैं इसको जो परचेज करके देती हूँ, जो इसको चॉइस कराती हूँ, तो बेचारा बड़े आराम से मान लेता है, ठीक है भाभी अपने, नखरे कुछ बच्चे करते हैं तो इसको नहीं रहता, ये नखरे नहीं करता, इसको जो चीज़ लेके दो तो आराम से लेता है। फिर इसके बाद मैंने इसको बोला कि तू जा ट्रायल रूम में ट्राई कर ले, बट ये देखिए यहाँ पे सांप पहले ही था। तो मेरे को इतना डर रहता है ना कि ऐसा पंगा ना कर ले। और देखो मैं इसको थोड़ा पनिशमेंट दी यहाँ पे कि ऐसे तो नहीं करोगे दोबारा, और देखो सॉरी बोल रहा है अभी ये, तो बहुत पंगेबाज है ये, बहुत नॉटी है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि हाँ ये कहाँ पे इसका लॉक, तो यहाँ से अब मैं ले आई। बट सीरियसली गाइस मेरा यही काम था, अंदर बाहर यही काम था, इसको बाहर लाना और इसका काम था अंदर जाना, बस यही ड्यूटी थी मेरी आज की यहाँ पे। तो उनके लिए एक और चॉइस की, मैंने कहा तू ये भी चेक कर ले। और आरुष देखिए यहाँ से बास्केट लेके आ गया, तो इसको पता है हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो बास्केट तो हमारे पास तो ऑब्वियस होनी ही चाहिए। देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको हर चीज़ का पता है। तो यहाँ पे मुकेश जो है वो ट्रायल रूम में ट्राई भी उसका कंटिन्यूटी में चल रहा था, जो भी चीज़ें वो देख रही थी। मैंने इसके लिए शर्ट लाई, मैंने कहा तू देख ले, अगर तुझे ये भी अच्छी लगती है तो ले लेते हैं। और फिर यहाँ से मैं इसके लिए एक और, वो थोड़ा डिफेक्टिव पीस था, तो मैंने कहा ब्लैक कलर में एक और दे दो, तो मेरे को मिली नहीं वैसे सॉर्ट ऑफ कलर में, कुछ और ही कलर मिला। तो बस ये चीज़ें चल ही रही थी। और अभी यहाँ पे आरुष जो है वो टॉप वाले फ्लोर पे चला गया था खुद से, और मुझे पता ही नहीं चला। और देखो अब मैं इतनी टेंशन में आ गई, मैं इसको ढूंढने के लिए जा रही हूँ कि है कहाँ पे। बार बार मैंने सबको यहाँ पे पूछा, बट इतना तो मुझे था श्योर कि है ये यहीं पे, कहीं बाहर नहीं गया हुआ है। बट सीरियसली गाइस बहुत टेंशन ये दे देता है। और ये देखो पीछे से आया कैसे हंसता हुआ, इसको पता था मम्मा इसके पीछे पीछे आई है इसके लिए, और बस ये भाग ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे चलो पहुंच ही गई हूँ, ये गर्ल्स का सेक्शन था, बॉयज एंड गर्ल्स का, किड्स का सेक्शन था ये,
तो मैंने कहा चलो यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आता है। तो यहाँ पे विंटर्स का अभी से ही शुरू हो गया हुआ है, सारा सामान विंटर्स का था यहाँ पे। तो मैंने सोचा अभी तो लगना नहीं है ऐसा कुछ, तो चलो थोड़ा वीडियो शूट ही कर देती हूँ। वीडियो के लिए मैंने ये सारा थोड़ा सा बनाया, बट मैंने यहाँ से कुछ भी परचेज नहीं किया बिकॉज विंटर्स का था, तो अभी विंटर्स का तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। विंटर्स का कपड़े पहनना बच्चों को तो जब होगा तब देख लेंगे, अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। तो आरुष देखो फिर से गायब हो गया, फिर से आरुष को लेने के लिए मैं, और अभी यहाँ पे आरुष जो है मुझे ग्रॉसरी स्टोर के पास दिखा, तो वहाँ पर लेने की, तो देखो और ये स्ट्रॉलर लेके घूम रहा है। तो मैंने कहा कि चलो यार अभी हमने यहाँ से ग्रॉसरी स्टेशन से कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ यहाँ पे कोई अच्छी सी डीओ या कोई परफ्यूम। तो फ्रेग्रेंस तो आ रही थी बट पता नहीं चल रहा था कि किस वाले की स्पेसिफिकली थी वो। फिर मैं आ गई वहाँ से, तो यहाँ पे मुझे एक ना एना के लिए ये लहंगा चोली भी पसंद आई, बट फैब्रिक इतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने ये परचेज नहीं की उसके लिए। और फिर मैंने आरुष को बोला कि चलो यार अब चलते हैं, देखते हैं कि शॉपिंग जो है वो मुकेश की कहाँ तक पहुँची है। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने यहाँ से उतारा, इसको यही था कि मम्मा जो है मुझे बास्केट दे दे और मैं सब चीज़ें अपने बास्केट में डाल दूँ, बट ऐसा तो नहीं होता ना, जो जितनी चीज़ें हमने परचेज की थी तो वही हमने उसमें डाली। और फिर मैंने ये किया कि चलो एक बास्केट इसको दे देती हूँ, अदरवाइज ये ऐसे ही ज़िद करता रहेगा। तो मैंने वहाँ से बास्केट ली और सारे के जो भी हमने शॉपिंग वहाँ से की थी तो वो मैंने इसमें डाल के फिर इसको दे दी कि चलो आप ऐसे इसको पकड़ के चलो। तो फिर बस हम यहाँ से जाने लगे, तो मैंने इसको बोला कि चलो आप पकड़ लो, मैंने भी थोड़ा ये होल्ड कर दिया था बिकॉज इससे तो पकड़ा जाता नहीं है। तो वी मार्ट में यहाँ वाले एक ही ड्रॉबैक है कि यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, तो हमें स्टेयर्स से ही अप डाउन करना पड़ता है। तो बस यहाँ से हम जा रहे हैं हम बिल काउंटर की तरफ, हम यहाँ पे बिलिंग करेंगे, उसके बाद हम सैलून जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अभी तो फ़िलहाल यही, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये सैंडविच रोल थे बहुत अच्छे से, तो ये भी मैंने ले लिए बच्चों के लिए। और फिर मैंने सोचा कि अब फाइनली जो है बिलिंग जो है वो मैं करा देती हूँ। तो आरुष जो है यहाँ पर ऐसे ही कर रहा है पंगे की, इसको बड़ा होता है कि ये बास्केट हम साथ ही लेके चले, पर साथ में तो लेके जा नहीं सकते। तो बस अब यहाँ से हम जा रहे हैं सैलून की तरफ, और देखिए यहाँ पे जो है आरुष बहुत जिद कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम सैलून जाए, बट क्या करती इसको लेके तो जाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखो हम पहुँच गए थे, अब वहाँ से जो मैंने इसके लिए सैंडविच रोल लिया था वो मैं इसको खिला रही हूँ, तो बड़े खुशी खुशी खा रहा था यहाँ पे बैठ के। ये अपने हाथों से ही खिलाऊं तो ठीक रहता है, अदरवाइज ये इतना मैस फैला देते हैं ये बच्चे, हर जगह यही गंदगी होती है। और देखो यहाँ पे कैसे मतलब क्या कर रहा है ये, तो बड़ी मुश्किल से मुझे इसको टैकल करना पड़ता है। और यहाँ ये मैंने अपने साथ लाया था कुछ सॉल्टी मिक्सचर वगैरह, तो मैं यहाँ पे वही खा रही हूँ। और बड़ी मुश्किल से अब मैंने इसको बिठाया हुआ है फ़ोन देखे, अदरवाइज ये तो बैठता नहीं है, या तो भागना होता है इसने या तो शोर मचाना होता है। और यहाँ से अब मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी बोलते कि चलो हम कहीं जाना था आप भी चलो साथ में। फिर मैंने आरुष को अपने साथ ले लिया, मुकेश भी साथ में था, तो मैंने कहा चलो इकट्ठे चलते हैं सारे, तो देखते हैं कहाँ जाना है। तो फिर हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। सो गाइस मुझे कोल्ड भी हुआ है, तो मैं वॉइस ओवर करते मुझे इतनी टेंशन मतलब बोला नहीं जा रहा है मेरे से। तो फिर भी ये गाइस इतनी मेहनत से इतनी मुश्किल से हम व्लॉग बनाते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और मेन बात है सब्सक्राइब करो। तो वही अब देखो यहाँ पे मिनी की गाड़ी जो है वो आ गई हुई है, तो मम्मी बोल रहे थे आप और आरुष आगे बैठो, तो इसमें आरुष जो है वो पहले ही पीछे बैठ गया था, तो उसको उतारने लगे जब मम्मी की आ जा तू आगे बैठ जा, तो वो उतर नहीं, उसको लगा कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो बस ये पीछे बैठ गया था। तो बस पीछे सभी बैठे हुए हैं और देखो कितने गुस्से से आरुष बैठा हुआ है और मैं इसको ऐसे नोटिस कर रही हूँ, तो आरुष ने बिल्कुल नहीं आई कंटैक्ट कर रहा है यहाँ पे मेरे साथ, इतने गुस्से में देख रहा है मुझे। और यहाँ पे मैंने आरुष के लिए भी कुछ ले लिया था, वो खा रहा है। और यहाँ पे अभी हम पहुँचे थे तवी पुल के पास, तो मेरे भाई का यही रहता है कि जब भी हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो गाड़ी स्पेशली रोक के माथा टेकता है, तो वही हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी हुई थी। तो
माता रानी को जय करके फिर हम यहाँ से निकल गए। तो हमने यहीं पे गांधीनगर में किसी से मिलने के लिए जाना था, तो कि कुछ काम था यहाँ पे हमें, बस यहाँ से अब यहाँ पे मिलके मीटिंग वगैरह करके फिर हम यहाँ से चले गए वापस। तो बस यहाँ पे आरुष जो है साथ में था, इसको बस ओपनली जगह कोई मिलनी चाहिए, तो इसने क्या करना होता है ऐसे ही करना होता है, बस मस्ती है, मस्ती है इसकी, ये जारी होती है। तो बस यहाँ पे हम आए हुए थे, वही देख रहे हैं जा रहे हैं मैं और मम्मी। तो मिनी जो है वो गाड़ी में ही थी, और आरुष को देखो, आरुष बस इसकी मस्तियाँ जारी हैं, बस इसको ओपन जगह चाहिए होती है, इसने खेलना होता है हर जगह, तो इसका बड़ा डर लगता है कि ये कोई किसी भी चीज़ को कोई नुकसान ना कर दे। और स्लाइडर इसको मिल गया था, तो आरुष ना का यही होता है, कोई भी स्लाइडर मिलता है तो इनको बस खेलना होता है, ऐसे ही यही ये काम करते रहते हैं। तो मैंने मुकेश को यहाँ पे फ़ोन दे दिया था, मैंने कहा चलो तू, तेरे को जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं तू यहाँ पे शूट करता रहे, और हमें जो भी हम काम यहाँ पे करने आए हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। और ये देखिए फिर हम पहुँच के डायरेक्टली घर, इसके बाद भी बड़ा कुछ हुआ, बट वो मेरी शूट नहीं किया बिकॉज मेरे एक फ़ोन में इतनी वो बैटरी नहीं रही थी और मेमोरी भी कम थी, तो इसलिए मैंने अभी जाते टाइम ही बच्चों को यहाँ पे बुला लिया था, ऐना को, और बारबी भी आए थे, भाई छोड़ने आया था यहाँ पे, तो इनको लेके फिर मैं चली गई घर। और ऐना देखो बेचारी, इसको ये रहता है मम्मा कब आए। और फाइनली अभी इस टाइम पे हम पहुँच गए घर अपने बच्चों को लेके, काफ़ी नाइट हो गई थी, तो नाइट में ये रहता है जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ तो सबसे पहले होता है कि यहाँ तो ये खाना खा के अगर आए होते हैं नानी के घर से तो इट्स ओके, नहीं खाया होता है तो फिर मैं इनको खाना शाना खिला के, और ऐना को देखो मन ही नहीं करता है कि अंदर आने का, तो अगर इन्होंने खाना खाया होता है तो दैट्स गुड, नहीं खाया होता तो मैं इनको खाना खिला के फिर मैं आरुष को पढ़ाने का काम करती हूँ। और ये देखिए मैंने आरुष के लिए ये लिए थे तब मोतीचूर के लड्डू, तो मैंने ऐना के लिए भी रखे थे, तो मैं चलो ये भी खा लेगी, बट इसको स्वीट्स इतना ना पसंद नहीं है, सिर्फ चॉकलेट्स और टॉफी खाती है, ऐसे लड्डू वगैरह कुछ खाती नहीं है, बस ऐसे ही मैस फैलाती है, देखो कैसे पकड़ पकड़ के बस फेंक रही है, खाना तो होता नहीं है इसने बट वेस्ट ज़रूर करना होता है लेकिन फिर भी माँ का दिल, माँ का प्यार लाया था इसके लिए, तो मैंने कहा चलो खा ले ये भी थोड़ा सा। तो खाना खाने के बाद यही होता है कि मैं आरुष को पढ़ा लूँ, इसका जो भी होमवर्क है, तो मैं यही हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं आरुष को होमवर्क मैं खुद ही करवाऊँ, इवन कि मैं इसको ट्यूशन भेजती हूँ जस्ट फॉर द इंट्रैक्शन विद अदर चाइल्ड, तो इसके लिए मैं इसको ट्यूशन भेजती हूँ और अवेयरनेस के लिए, अदरवाइज मैं यही ट्राई करती हूँ हमेशा कि इसको मैं खुद पढ़ाऊँ। और देखिए ऐना की मस्ती यहाँ पे जारी है, और इस टाइम पे आरुष भी है, इतना थका होता है, मैं भी इतनी थकी होती हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं। और देखो आरुष ने यहाँ पे होमवर्क फिनिश कर लिया और मस्त होके खुश, और मैंने इसको बोला चलो इसकी खुशी में हाई फाई कर दो, बट ये लेट गया मस्ती में। और गाइज इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, व्लॉग एंड होने के साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।